इंडियन गर्ल्स हैं अनुत्रिशा, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन मैं हूं अनुत्रिशा। आज के वीडियो में मैं बातें करने वाली हूं मेरे हेयर से रिलेटेड। अगर मेरी नेचुरल हेयर टेक्सचर के बारे में बताऊं तो मेरी जो नेचुरल हेयर है वो थोड़ी सी वेवी है, साथ साथ थोड़ी सी फ्रीजी भी है। एंड आई नो पीपल विथ फ्रीजी हेयर हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि उनका हेयर को कोम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, डिटैंगल करना डिफिकल्ट होता है और साथ साथ कोई भी हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता है। But right now you can see my hair looks more healthy, shiny, no flyiness, no frizziness and बहुत ही ज़्यादा manageable है। So मेरे frizzy unmanageable hair को मैंने कैसे इस condition पे लाया है? So there is an amazing product which is completely a game changer for my hair और जो कि है L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum। So ये जो oil serum है ये आपके hair को nourishment provide करता है, जिसकी वजह से आपकी hair जो है पहले से ज़्यादा हेल्दी दिखने लगती है और मैनेजेबल तो हो ही जाती है। इससे पहले भी मैंने इसकी एक रिव्यू शेयर किया था, इनकेस यू वॉन्ट टू चेक दैट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर ऐड कर दूंगी। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इस ऑयल सीरम को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ और आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में इसे यूज कर सकते हैं और ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके हेयर के लिए। इफ यू सी इंटरनेशनल ब्लॉगर यू मस्ट हैव सीन दे एब्सोल्युटली लव द प्रोडक्ट। और कपल ऑफ मंथ बैक जब ये इंडिया में लॉन्च हुआ तभी मैंने डिसाइड किया मैं इसे ट्राई करूंगी एंड इट डज सो मच गुड टू माय हेयर। दो इट्स एन ऑयल इट गिव्स योर हेयर नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन बट इट्स एब्सोल्युटली नॉन स्टिकी एंड लाइट वेट और इसके पंप पैकेजिंग के वजह से एप्लीकेशन भी काफी इजी होती है। दिस सीरम हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेयर फ्लावर ऑयल्स जो कि है लोटस, टियारा, कैमोमाइल, रोज, फ्लेक्स एंड सनफ्लावर। और ये जो कॉम्बिनेशन है इट मेक्स योर हेयर हेल्दियर एंड मैनेजेबल। सो जैसे कि मैंने कहा है मेरी हेयर कंसर्न जो है वो है बहुत ही ज़्यादा फ्रीजीनेस, जिसकी वजह से हेयर डिटैंगल करने के टाइम बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज होता है और साथ साथ हेयर जो है बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं दिखता है। सो बिफोर अप्लाइंग द सीरम यू कैन सी मेरे जो हेयर है उसकी कंडीशन कैसी है। बट सीरम को अप्लाई करने के बाद हेयर को डिटैंगल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और मैं हर रोज हेयर को डिटैंगल करने के लिए और हेयर स्टाइल से पहले इस सीरम को अप्लाई करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। दिस सीरम हैज लॉट ऑफ यूजर्स, उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं हर रोज यूज करती हूँ अपने हेयर को डिटैंगल करने के लिए। सो इस हेयर सीरम को मैं हर रोज यूज करती हूँ, इसीलिए एक जो कंटेनर है मेरा कंप्लीटली एम्प्टी है और दूसरा मैंने नया पैक ऑर्डर किया है। और इस हेयर सीरम को यूज करना भी बहुत ही सिंपल है, आपको बस 1-2 पंप्स लेना है और उसके बाद अपने पूरे हेयर में अप्लाई करना है। सिर्फ आपको रूट्स को अवॉइड करना है और उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल, स्मूथ एंड शाइनी दिखने लगी है। और इससे अप्लाई करने से पहले मेरी हेयर की कंडीशन कुछ और होती है और अप्लाई करने के साथ साथ बिल्कुल बूम फट से चेंज हो जाती है, हेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाती है। सीरम को अप्लाई करने के बाद फ्रिज फ्री एंड मैनेजेबल हो जाते हैं मेरे हेयर पूरे दिन भर के लिए। और मैंने कुछ इंटरवल्स में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स भी लिया है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। यू कैन सी पूरे दिन भर मेरे हेयर बिल्कुल वैसे की वैसे। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर इस सीरम को आप बहुत सारे डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हो। मैं अपने हेयर को स्टाइलिंग करने से पहले हर रोज के वीडियो में मैं जनरली हेयर को स्ट्रेटन करती हूँ, तो हीट टूल्स अप्लाई करने से पहले मैं इसे अप्लाई करती हूँ। और मेरी हेयर की जो लोअर पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, इसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी सा लगता है, तो उस पार्ट को थोड़ा सा नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं देखती हूँ जो हेयर कोम है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली रन होता है क्योंकि ड्राइनेस नहीं रहता है। और साथ साथ मेरी क्राउन सेक्शन की जो हेयर है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी दिखने लगती है, तो इसीलिए उसे टेम करने के लिए भी मैं इस सीरम को यूज़ करती हूँ। अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस सीरम इज इट प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम यूवी रेज, हीट, फ्रिक्शन एंड ह्यूमिडिटी। और एवरी टाइम यू यूज इट यू फील योर हेयर बिकेम्स मोर स्मूदर एंड शाइनियर और बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल एंड फ्रीज फ्री भी हो जाते हैं। और अदर हेयर सीरम आपके हेयर को कोई भी नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है बट इट डज। सो ये जो 100 ml की बॉटल है दिस वन इज परफेक्ट फॉर योर एवरीडे यूज। मैं अपनी वैनिटी के सामने जो भी सारे एसेंशियल रखती हूँ उसमें मैं इसे ज़रूर रखती हूँ। और L'Oreal Extraordinary ऑयल की नया एक पैकेजिंग लॉन्च हुआ है जो कि छोटा सा पैक है, 30 ml की बॉटल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फ्रेंडली पैकेजिंग है। सो आप इसे अपने पाउच में कैरी कर सकते हो, कहीं पर भी आप जाओ अपने पाउच में इसे ज़रूर लेके जाना। और कहीं पर भी आपको ऐसा फील हो कि आपकी हेयर जो है वो फ्रीजी दिख रहे हैं तो इमीडिएटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। I know you guys are also want to know the price. 100 ml की price है 499 rupees and 30 ml की price है 299 rupees.
और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप दोनों ही बाय करो। ये जो पैक है इसे आप रेगुलर यूज के लिए रखो, और ये जो छोटा सा ट्रेवल फ्रेंडली पैक है इसे आप अपने पाउच में रखो। और इस वीडियो में होने वाली है एक छोटी सी गिव अवे। ये जो 30 ml की पैक है इसे मैं गिव अवे करने वाली हूँ, और गिव अवे की रूल्स बहुत ही सिंपल है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है क्यों आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम इतना ज्यादा पसंद है, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो जरूर इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। सो एज आई सेड बिफोर, ये जो हेयर सीरम है ऑल हेयर टाइप्स के लिए है। अगर आपकी हेयर कर्ली है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्लॉगर्स जिनकी कर्ली हेयर है उन्हें भी ये हेयर सीरम बहुत ज्यादा पसंद आया है। और अगर आपकी हेयर केमिकली ट्रीटेड है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। ये आपकी हेयर को पहले से ज्यादा शाइनियर बनाएगा और साथ साथ हेल्दी भी बनाएगा। दिस हेयर सीरम क्लेम्स टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सनलाइट, अप टू 98% लेस हेयर फॉल, प्रोटेक्ट हेयर अप टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कट फ्रीज एंड स्मूदन्स हेयर बाय 87%। और ये तो बिल्कुल सच है, मेरी हेयर की जो फ्रीजीनेस है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है सिरम को अप्लाई करने के बाद। और साथ साथ इट सेज कि ये 98% तक हेयर ब्रेकेज या फिर हेयर फॉल को कम करता है। ये भी मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं इस सिरम को अप्लाई किए बिना हेयर को कोम करती हूँ तो मेरी जितनी हेयर फॉल होती है और सिरम को अप्लाई करने के बाद जब मैं कोम करती हूँ वो उससे काफी कम होती है। तो इस 100 ml की प्राइस है 499 rupees। इट कैन लास्ट यू फॉर 4 to 5 months easily। अगर आपकी मिड लेंथ हेयर है तो आपको ईच मंथ पे करना पड़ रहा है 100 rupees। इट्स कंप्लीटली ओर्थ इट। तो अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। और ये जो सीरम है ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, तो इसीलिए इसे ट्राई करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेयर टाइप चाहे कुछ भी हो, केमिकली ट्रीटेड हो, आप इसे ट्राई कर सकते हो। इवन मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी हमेशा इसे सजेस्ट करती हूँ कि इसे एक बार ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आपको भी मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ट्राई करके देखो, आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। इससे पहले भी मैंने अपने रिव्यू में ये बताया था कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सबके लिए लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। और आपने ऑलरेडी से ट्राई किया है तो जरूर शेयर करना कि आपको ये कैसा लगा है, ताकि कमेंट्स को देख के भी किसी को समझ में आए कि आपके लिए ये वर्क किया है या नहीं, और उन्हें भी बाइंग डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो मेरे आज के वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।